नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। भागलपुर से आए दिन कोई न कोई तस्वीरें निकलकर सामने आती ही रहती है। खासकर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी की तस्वीर आए दिन सामने आती है। इसमें कोई ना कोई ऐसा मसला होता है जो कि सवालों के घेरे में होता है। कभी यूनिवर्सिटी में किस लापरवाही को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, कभी छात्र आक्रोशित होकर सड़क पर आ जाते हैं। और इसी कड़ी में अब भागलपुर से एक और खबर सामने आई है, जहां पर तिलका मांझी विश्वविद्यालय नहीं बल्कि इस बार विक्रमशिला विश्वविद्यालय से खबर निकलकर सामने आ रही है, जिस पर कई सारी बात निकलकर सामने आई है और इस मामले में संज्ञान की बात भी कही गई है। तो चलिए एक बार खबर को विस्तार से देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। भागलपुर में अवस्थित प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बदहाली और केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण में देरी किए जाने को लेकर बीते दिनों भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय इस मामले में फिर से सक्रिय हुआ है और मंत्रालय ने बिहार के शिक्षा विभाग के सचिव को कहा है कि मलकपुर और अंतिचक मौजा की 215 एकड़ जमीन की अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण की आस भी जगी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बगल में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए केंद्र अड़ गया है, लेकिन राज्य का कहना है कि उस जमीन पर SC ST के दर्जनों घर हैं, 3500 पेड़ है। वहीं शिक्षा विभाग ने DM को रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले में DM सुब्रत सेन का कहना है कि जमीन का प्रस्ताव हमने भेजा था, इसमें भारत सरकार की टीम पहले आकर स्वीकृति प्रदान की थी, फिर दूसरी टीम आई थी, उन्हें कुछ आपत्ति थी। जिस तरह का निर्देश विभाग का प्राप्त होगा, काम उसी तरीके से किया जाएगा। साथ ही जमीन अधिग्रहण का आदेश आता है तो वो भी किया जाएगा। यहीं पर जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2024 में चुनावी मंच से हवाई अड्डा में लोगों से वादा किया था कि प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का गौरव वापस से लौटाया जाएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण भी किया जाएगा। इसके बाद केंद्र से 500 करोड़ रुपया मिला, लेकिन जमीन अधिग्रहण में प्रक्रिया अभी भी अटकी हुई है। यानी कि ये जो मामला है, जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ मामला है, जिस पर खूब हंगामा हो रहा है। वैसे जिलाधिकारी ने ये तमाम बातें कही है, लेकिन जो हम कह रहे हैं उससे हटकर जिलाधिकारी ने कुछ और भी कहा है, वो भी सुनिए। इस पे जमीन का प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा था कई जगह पर चिन्हित करके। इसमें पहले बार जो टीम आई थी मंत्रालय से, भारत सरकार से, तो उन्होंने उसकी स्वीकृति भी प्रदान की थी। पुनः एक दूसरी टीम आई, उनकी कुछ आपत्ति थी, उसके आलोक में शिक्षा विभाग के सचिव महोदय का भ्रमण भी हुआ था। जैसा निर्देश हम लोगों को विभाग से प्राप्त होगा, उसी दिशा में हम लोग आगे की कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करेंगे। और भूअर्जन के लिए अगर निर्देश प्राप्त होता है, जिस भी जमीन का राशि और अधियाचना प्राप्त होती है, हम लोग भूअर्जन। जैसा कि आपने सुना कि जिलाधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि जमीन अधिग्रहण का मामला काफी लंबे समय से अटका हुआ है। पहले भी इस मामले पर कई सवाल उठे थे, लेकिन उस दरमियान भी इस पर संज्ञान नहीं लिया गया था। एक बार फिर से ये मामला उठ गया है। अब इस मामले में जिस तरह के आदेश जारी किए जाएंगे, वैसे ही काम किया जाएगा और इस मामले पर काम काफी तेजी से होगा, इस बात का मैं वादा करता हूँ, ऐसा जिलाधिकारी का कहना है। जैसा कि आपको बता दें कि मामला इसलिए भी अटका हुआ है क्योंकि जिस जमीन की बात की जा रही है, वहां पर SC ST से आने वाले हजारों लोगों के घर है, जिसको उखाड़ कर फेंक देना इतना आसान नहीं है, जिस वजह से फिलहाल यह मामला अटका हुआ है। हालांकि PM मोदी ने जिस तरह से वादा किया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को एक अलग पहचान दिलाना है, अब इस पर तेजी से काम होगा, ऐसा सुब्रत कुमार सेन का कहना है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।